मैं इतला बेड़े की सुरपुरा सड़क में दजाजार मंदिर के सामने एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिस पर मैं जाता के मौके पर जाकर के देखा तो एक व्यक्ति की पैरों के जांघों के नीचे से कटी हुई लाश पड़ी थी, जिसकी पहचान गांव वालों ने देवेंद्र गिरी के रूप में की। उसकी बॉडी को मोर्चरी रखाया, मौके पर एस पी साहब और सी ओ साहब हमारे घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ के लिए अनुसंधान किया गया तो धजाधार मंदिर में रहने वाला ओम गिरी इस घटना का कारण और उसको गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण मंदिर में अनुसंधान जारी है। उसने वो पाँव काटे बता रहे वो हत्या सब तुझे मिले क्या? पाँव नहीं, पाँव अभी मिले नहीं है, उसकी बरामदगी प्रयास किया जाए। पाँव काटे वो हथियार मिला उसकी अभी कल गिरफ्तार किया है, उसमें आगे अभी सारी तफ्तीश बाकी है तो उसको कोर्ट पेश किया जा करके अग्रिम अनुसंधान किया। सुनने में आया इससे पहले भी वहाँ पे एक घटना हो चुकी है ऐसे भी, उसमें कहीं बावजी के? हाँ, 2012 में एक घटना हुई थी, उस बारे में भी विस्तृत अनुसंधान करें। सूचना मिली कि सुरपुरा सरद में धजाजार मंदिर के सामने एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है। सूचना के अनुसार मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति का अधकटा शरीर पड़ा था। आस पड़ोसियों से पूछताछ करी तो उसकी देवेंद्र गिरी पुजारी के रूप में नाम बताया। मौके पर सी ओ साहब एस पी साहब भी पधारे। जब उसकी तहकीकात की तो पता चला कि ये मूल रूप से जोग सिंह सनों से सरदार सिंह जाति राजपूत ऊन गांव जिला जाड़ो में जाड़ो का रहने वाला मृतक। उसकी और जो धजाधार मंदिर में पुजारी है ओम गिरी, उनके आपस में शराब पी करके किसी बात को लेन देन की बात को विवाद हुआ तो इस ओम गिरी ने ही उसको मृतक को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की बॉडी मोर्चरी में रखवाई, परिजनों को सूचित किया, परिजन भी मौके पर आए और प्रकरण मंदिर में अनुसंधान किया जाए। परिजन जो आए वो बॉडी लेकर परिजन गए यहाँ पे साधु संत? बॉडी परिजनों को सपोर्ट की, फिर उन्होंने और साधु संतों ने लेकर के ये मंदिर में दाह संस्कार करना बताया। कुछ वर्ष पूर्व इस मंदिर में और घटना हो चुकी है, 2012 में भी एक इसी टाइप से महंत की हत्या हुई थी, उस पट के बारे प्रकरण के बारे में भी देखवा रहे हैं। और जो मृतक को मारने में जो हथियार काम में लिए गए वो बरामद हुए? हाँ, अभी इसको कल ही अरेस्ट किया है तो आज कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद अग्रिम प्रकरण अनुसंधान किया जाएगा, जो भी आवश्यक कानूनी बरामद किए हैं वो किए जाएगा। और जो कटे हुए पांव थे वो बरामद हुए? बरामद नहीं हुए।